हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आप ऑयली स्किन को नॉर्मल कैसे बना सकते हैं। आप मेरी स्किन देख रहे हो, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। हालांकि ये पहले बहुत ड्राई हुआ करती थी। ड्राई होने के बाद मैंने इसकी प्रॉपर केयर जब शुरू की तो उसके बाद मेरी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन हो गई, मतलब नॉर्मल में तो आ गई है, बट अभी मेरे टी जोन एरिया पे जो है ऑयल प्रोड्यूस होता है और बाकी स्किन मेरी नॉर्मल रहती है। और मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, सिर्फ टी जोन एरिया पे ऑयली है। बट इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी नॉर्मल स्किन है या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम किसी भी स्किन टाइप वालों को हो सकती है, लेकिन ऑयली स्किन वालों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो है स्किन ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई। तो पहली चीज़ मैं इसका रीज़न जान लेती हूँ कि ऑयली स्किन में ऑयल प्रोड्यूस क्यों होता है। क्योंकि ऑयली स्किन पे आप देखोगे ना, एक अलग सी शाइन बनी रहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी स्किन अंदर से ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है, क्योंकि आपकी स्किन को लगता है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है। और ऑयली स्किन वाले भी थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, अंदर उनको फील होता है, क्योंकि स्किन ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उनको ऐसा फील होता है कि उनकी स्किन मॉइस्चराइज है, तो वो मॉइस्चराइज स्किप कर जाते हैं। तो इसकी वजह से उनकी स्किन, मतलब अंदर से तो स्किन को लगता है ना कि कुछ भी हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है, तो वो ऑयल प्रोड्यूस करती जाती है। और वही ऑयल प्रोड्यूस करती जाती है, और जब वो थोड़े से पोर्स में आपके इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वही पिंपल्स बन जाते हैं। वो कई सारे, मतलब अगर ऑयल है आपके स्किन पे तो वो इकट्ठा करता है धूल, डस्ट, गंदगी, जर्म्स को। तो जब वो इकट्ठा होके ना क्लॉक वाइज क्लोज हो जाते हैं पोर्स में आपके, तो वही जो है पिंपल्स, एक्ने, इस तरीके का रूप ले लेते हैं और आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी चाहिए, जिसको करने से आप काफ़ी हद तक अपनी ऑयली स्किन को, आपके ओपन पोर्स को क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अपने डे की स्टार्ट करनी है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग है कि आप दो बार जो है अपने फेस को क्लीन करें। कोई भी हार्श साबुन ना यूज़ करें अपने फेस पे। अगर आप फेस पे सोप यूज़ करना भी चाहते हैं तो सिर्फ मैं आपको दो रिकमेंडेशन दूंगी। एक तो आप पियर्स सोप यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडली आप डव सोप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सोप अपने फेस पे यूज़ ना करें, चाहे वो कितना भी अच्छा दावा क्यों ना करे कि वो 100% इफेक्टिव है एंड ऑल, क्योंकि आप उसका जब भी टेस्ट लेंगे ना, वो सारे साबुन, मैंने मोस्टली बहुत सारे साबुन का टेस्ट किया जो कि प्रेफर करते कि बहुत सॉफ्ट है। इवन मैंने बेबी शैम्पू का भी ट्राई किया, बट वो सब आपकी स्किन पे बहुत हार्श होते हैं और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव और बहुत नाजुक होती है। तो स्किन के साथ खिलवाड़ ना करें, इवन एक अच्छे से फेस वॉश में इन्वेस्ट कर लें। और अगर मैं अफोर्डेबल फेस वॉशेस रेंज की बात करूँ तो पहला तो है क्लीन एंड क्लियर, और हिमालय का फेस वॉश बहुत अच्छा होता है। अगर आपको एक्ने पिंपल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हिमालय का नीम फेस वॉश ट्राई कर लीजिए। अदरवाइज आप रूप मंत्रा का जो है कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट फेस वॉश है, समर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एक कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ हिमालय का मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश एनरिच विथ विटामिन ई, ये वाला। तो ये मेरी स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखता है, क्योंकि इसमें कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है और एलोवेरा। एलोवेरा मेरी स्किन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और ये बहुत ज़्यादा झाग नहीं देगा। तो आपको एकदम ज़रा सी क्वांटिटी में इसको लेना है, इस तरीके से। इतना फेस वॉश इनफ है मेरी स्किन के लिए। और मैं इसको पूरे मेरे चिक्स पे और फोरहेड पे, लिप्स पे, अराउंड पे, मैं सारे, मतलब इसको अच्छे से मसाज करके अपने फेस को क्लीन करती हूँ। तो आपको भी इसी प्रोसीजर के साथ अपने फेस को क्लीन करना चाहिए, और बहुत ज़रा सा अमाउंट लगता है और विच इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। हिमालय के प्रोडक्ट आपको काफ़ी बजट में मिल जाते हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये तो बात हुई कि आपको दिन में दो बार यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो है किसी अच्छे माइल्ड फेस वॉश से अपने स्किन को वॉश करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आप मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो आप डे में मॉइस्चराइज़र जब भी यूज़ करें तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें सनस्क्रीन ऐड हो, ताकि आपको अलग से 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ ना करना पड़े। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जॉवीज का आर्गन ऑयल स्किन गार्ड लोशन, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंस है। तो ऑयली स्किन वालों को बहुत ही ऐसा लिक्विड फॉर्म वाला मॉइस्चराइज़र फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा, जिसमें कि झाग ना हो और बहुत ज़्यादा
क्रीमी टेक्सचर हो, बहुत जेल फॉर्म में हो। तो ये हालांकि वाटर रेसिस्टेंस है और बहुत इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये है तो वैसे क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाता है इस तरीके से, और साथ ही ये यूवी SPF 60 PA++ है, तो एज अ सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा है। यू नो आप कहीं हॉलीडेज़ पे भी जा रहे हैं समर्स में तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है ये। मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे दिया हुआ है, तो देखा आपने कितनी इजीली ब्लेंड हो गया। और ये इतना हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है कि आपको सारा दिन यू नो आपकी स्किन ना खिंची खिंची फील होगी, ना ड्राइनेस फील होगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए बहुत यू नो ज़रूरी है कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन को दें। तो जब भी फेस वॉश करें तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। तो ये तो हुई दिन की बात, रात में आपको क्या करना है? आप रात में अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपको यूज़ करना चाहिए क्लिंजर। तो मैं एक अफोर्डेबल क्लिंजर की बात करूँ तो हिमालय का रिफ्रेशिंग क्लिंजिंग मिल्क है, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और बहुत ही बजट में मिल जाता है। इसका प्राइस की मैं बात करूँ तो ये मुझे मिला है क्या 83 रुपीज़ का। बहुत ही बढ़िया क्लिंजर है, तो आप जब भी कोई मेकअप करते हैं या कहीं भी बाहर से आते हैं तो आप इस क्लिंजर की हेल्प से इसका थोड़ा सा अमाउंट लेना है आपको। ये भी बहुत लिक्विड फॉर्म में है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है इसकी, तो अगर आपने मेकअप किया है तो आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी, अदरवाइज़ एक स्मॉल क्वांटिटी लेकर के इस तरीके से आप अच्छे से मसाज कर दें अपने स्किन में और फिर एक कॉटन वाइप की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर लें। तो ये आपके स्किन से सारी धूल डस्ट गंदगी को बाहर कर देती है, साथ ही स्किन को मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करती है। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट आप चेक करेंगे तो इसमें मतलब ग्लिसरीन, और मैं एक बार पढ़ लेती हूँ कहाँ पे है, मुझे दिख नहीं रहा है। क्या इसमें लेमन है एज अ क्लिंजर यूज़ किया गया, एस्ट्रीजेंट, ग्रेप सीड, मेंथा एसपी, तो ये सारी स्किन को आपको रेडियंट भी प्रोवाइड करता है, स्किन से गंदगी और धूल प्रदूषण को भी दूर करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को नरिशमेंट और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी ब्लेंड है, दैट्स वाई। तो फेस से क्लीन करने के बाद आपको बहुत ज़रूरी है यूज़ करना टोनर। तो मैं टोनर के लिए गुलाब जल रिकमेंड करूँगी जो कि बहुत बजट फ्रेंडली मिल जाते हैं। ये मुझे 45 रुपीज़ का मिला है, विच इज़ वेरी हर्बल गुलाब जल, तो ये बहुत अच्छा आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आफ्टर क्लिंजिंग आप चाहो तो कॉटन वाइप्स में थोड़ा सा स्प्रे करके इसको अच्छे से स्किन को मतलब पोंछ लीजिए, तो जो भी एक्स्ट्रा थोड़ी धूल गंदगी रहती है जो क्लिंजर से नहीं निकली है वो टोनर की हेल्प से निकल जाती है, साथ ही आपकी जो ओपन पोर्स हैं उसको क्लोज कर देता है। तो मैं इसको स्प्रे करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इस तरीके से, अपने मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस बना करके। तो एक तो ये समर्स में आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, साथ ही साथ आपकी स्किन पे जो भी एक्स्ट्रा धूल डस्ट है उसको जो क्लिंजर ने रिड्यूस किया है तो आपकी जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसको ये क्लोज करने में हेल्प करता है। और आप कोशिश करें कि ये एयर ड्राई हो नेचुरली। मैंने इस टाइम ने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। मेकअप के बाद आप यूज़ करते हो तो वो सेट कर देगा आपके मेकअप को, एज अ सेटिंग स्प्रे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप मेकअप रिमूव करोगे तो फिर से आपको उसके लिए क्लिंजर यूज़ करना होगा। पहले फेस वॉश यूज़ करें, फिर क्लिंजर यूज़ करें और उसके बाद टोनर यूज़ करें। ऑयली स्किन वालों को अपने स्किन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और रात में भी आप जब क्या कहते हैं ये अपने यूज़ कर लिया, इसके बाद आप कोई अच्छा सा एलोवेरा जेल या कोई आप नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो उसको लगा करके ही सोए ताकि आपकी स्किन को वो एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करे और रात में आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। ऐसा ना हो कि आपकी स्किन, आपने ऐसे ही छोड़ दिया स्किन को और ऑयल प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो बहुत ज़रूरी है दिन में भी और रात में भी अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना। तो आप एलोवेरा जेल लगा करके रात में सो सकते हैं, ऑरेंज जेल लगा सकते हैं, विटामिन सी युक्त कोई भी जेल जो है वो अपने फेस पे आप अच्छे से अप्लाई कर लें ताकि वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद ही सोने जाए। तो उससे आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड फील करेगी और साथ ही आपको जो
ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ये नहीं होगी, तो एक्ने और पिंपल्स आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे अगर आप इस स्किन रूटीन को फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा आप वीक में 2 बार एक अच्छा फेस पैक भी ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली मैं मेंशन करूँगी मेबलिन का, सॉरी, लॉरियल का चारकोल फेस वॉश, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करता है आपके स्किन की धूल डस्ट गंदगी को अच्छे से, साथ ही ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स को भी हटा देता है। तो नॉट ओनली लॉरियल, आप किसी भी ब्रांड का, यू नो वाव का है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, तो आप चारकोल जो है, चारकोल का पील ऑफ मास्क या फिर वॉश ऑफ मास्क दोनों ही ट्राई करें। अगर मैं बजट की बात करूँ, क्योंकि मैं बजट फ्रेंडली बात कर रही हूँ, तो आप जो है मैं कह सकती हूँ कि आप वॉश ऑफ फेस मास्क प्रेफर करिए कंपैरिजन टू पील ऑफ, क्योंकि पील ऑफ थोड़े से महंगे आते हैं और वॉश ऑफ का भी वर्क उतना ही इफेक्टिव है, अच्छा है, स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है। इसके अलावा आप चंदन फेस पैक, यानी कि थोड़ा सा चंदन पाउडर जो है, वो आप मार्केट से खरीद लें अपने पसंद के अकॉर्डिंग, जिस भी ब्रांड का आपको पसंद है, उसमें रोज़ वाटर मिला करके आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करें। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर को भी मिक्स करके अपने स्किन पे हफ्ते में 2 बार ऐसा करें। ये आपकी स्किन को एक तो कूलिंग इफेक्ट देगा, समर्स के लिए दोनों बेस्ट ऑप्शन है, साथ ही आपकी स्किन से एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को ये रिड्यूस करेगा, आपके ओपन पोर्स को क्लोज करेगा। और आप गुलाब जल की बजाय कुकुम्बर टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, कुकुम्बर आप टोनर घर पर भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको कुकुम्बर को कद्दूकस करके उसके रस को कलेक्ट करके, लेकिन आप इसको फ्रिज में ही रखें, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको डेली फिर बनाना पड़ेगा ये, तो 2 से 3 दिन ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर आप मार्केट का लो जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, तो वो आप स्टोर करके रख सकते हो। अदरवाइज़ मुझे उसका प्राइस का उतना आइडिया नहीं है। कुकुम्बर टोनर भी बहुत अच्छे होते हैं और जॉवीज ब्रांड में आपको मिल जाएगा कुकुम्बर टोनर, और भी कई अच्छे ब्रांड में है अवेलेबल, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक टीनेजर हो, अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी अपने पसंद का गुलाब जल जो है वो ले लीजिए, वो सबसे अच्छा टोनर होता है। उसके अलावा ऑयली स्किन वालों को आइस मसाज अपने स्किन पर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो आप अपने आइस पे ज़रूर मसाज किया करिए फेस वॉश करने के बाद, यानी कि मॉइस्चराइजर के पहले। आप ये दिन में भी प्रोसेस कर सकते हैं, रात में भी, वैसे आप अगर रात में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार आपको करना चाहिए अपने ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप कोशिश करो कि आप दिन में फेस को क्लीन करने के बाद फेस वॉश से आप एक आइस मसाज कर लीजिए, आप एक कपड़े की हेल्प से आइस को पकड़ के, और थोड़ा सा ठंडा लगता है इस तरीके से मसाज कर लीजिए, तो इससे आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं गाइस, मैंने यहाँ पे एक आइस ली हुई है, आइस क्यूब्स, और ये स्मॉल क्वांटिटी में है। तो इस तरीके से मुझे इसको रब करना है ऑल ओवर माय फेस, और जहाँ जहाँ भी आपको थोड़ी सी ओपन पोर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे इसको अच्छे से इस तरीके से रब करें, तब तक ये मेल्ट ना हो जाए। बीच बीच में आपको थोड़ा ठंडा लगेगा, तो आप थोड़ा सा इसको हटा करके एक क्लॉथ पे रख लें, और इसको फिर 5 मिनट पर लेकर, और इसके बाद इसको आप पोछे नहीं बल्कि नेचुरली एयर ड्राई होने दें। तो अगर इस स्किन रूटीन को आप फॉलो करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपनी ऑयली स्किन को नॉर्मल स्किन बना पाएंगे, और साथ ही अपने एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर पाएंगे। तो विच ऑल इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इफेक्टिव रेमेडी फॉर ऑल यू गाइज, आई मेक दिस वीडियो, आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।